हाय हेलो सुस्वागतम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। लॉकडाउन हुआ उससे ठीक थोड़े दिन पहले हम कहीं पे गए थे, पर मैंने तब सोचा नहीं था कि इस पर मैं कोई व्लॉग बनाऊंगा। पर अब कोरोना की वजह से कहीं जाना और आना मुश्किल हो गया है, तब मैंने सोचा कि जहाँ गया था उस पर ही एक व्लॉग बना दूं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। विसावदर तालुके में आए कालवड और कालवड से हसनापुर होते हुए श्री अमर कालेश्वर मंदिर में। दोस्तों, यहाँ का जो शिवलिंग है वो पौराणिक है। श्री अमरा बापू को स्वप्न में आया और उन्होंने यहाँ खोज की और उन्हें ये शिवलिंग प्राप्त हुआ और उन्होंने ही यहाँ ये मंदिर बनवाया, जिनका नाम श्री अमर कालेश्वर रखा गया। अभी यहाँ के जो महंत है, पुजारी जी हैं, उनका नाम है महंत बलवंत पुरी जी। ये बहुत ही अच्छे और मजेदार इनका व्यक्तित्व है। इन्होंने हमें बड़े प्यार से अच्छी तरह से रखा। इस मंदिर के पीछे काल भैरव का मंदिर है। दोस्तों, ये स्थान गिर के जंगल में है, इसलिए इसके चारों ओर अलग अलग प्रकार के पेड़ और बहुत सारे पक्षी देखने को मिलते हैं और उनकी मीठी आवाजें सुनाई देती है। मंदिर के बाजू में थोड़े खेत हैं और थोड़े नेसड़े हैं। नेसड़े यानी गिर के जंगल में जो पशुपालक होते हैं, जो दूध के व्यवसाय करते हैं, उनके पशुओं की सुरक्षा के लिए उसके आसपास कांटों की एक बड़ी दीवार जैसे खड़ी करते हैं। उसी में वो पशु सुरक्षित रह पाते हैं, ताकि कोई तेंदुआ या शेर अंदर ना आ सके। हमने दोपहर का खाना बनाया, खाना खाया, थोड़ा आराम किया और शाम को राजू भाई के खेत में गए। उन्होंने हमें पोपटा यानी हरे चने को आग में भूनकर खाने को दिए, जो काफी स्वादिष्ट थे।
फिर छोटे टमाटर भी दिए जो दिखने में बहुत ही सुंदर और खाने में मीठे लगते थे। गन्ना भी हमें तोड़ के खाने को दिया। इस प्रकार हमारी मेजबानी उन्होंने कराई। उनके खेत के सामने एक केसुड़ा का पेड़ था। केसुड़ा यानी पलाश। वहाँ राजू भाई ने माचड़ा बनाया था जिस पे बैठकर वो अच्छी तरह से खेत की चौकीदारी कर सके। हम वहाँ गए, बैठे, फोटो खींचे, पर अब शाम ढलने लगी थी। हम वापस मंदिर आए, आरती की, रात का खाना बनाया, खाया, सत्संग किया और वहीं सो गए। दूसरे दिन हम उठे, स्नान किया, तैयार होके बैठे। काड़ू भाई हमें लेने आए क्योंकि हमें जाना था दूसरी जगह। उन्होंने हमें उनकी गाड़ी में विसावदर डेपो में छोड़ा। वहां से 11 बजे की बस थी जो जूनागढ़ से आती है और गिर फॉरेस्ट की चेक पोस्ट क्रॉस करके हमें पहुंचाती है गिर के जंगल में कंडकाई माता के मंदिर में, और वही बस दोपहर को 2 बजे वापस निकलती है। दोस्तों, शायद ये रास्ता सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और बारिश के दिनों में बंद रहता है क्योंकि जंगली जानवर वहां निकलते हैं। हम कनकाई माता के मंदिर में पहुंचे, वहां दर्शन किया, वहीं पे हमने प्रसादी के रूप में खाना खाया, थोड़ी देर वहां बैठे और उसी बस में हम वापस विसावदर आए। विसावदर से हमने छकड़ा किया कादवली मंदिर में जाने के लिए जिसका भाड़ा था 300 रुपए। रात को हमने फिर से आरती की, खाना खाया, सत्संग किया और थोड़ी देर रात को हम बाहर निकले आकाश दर्शन के लिए। किंतु डर भी लग रहा था क्योंकि रात को शेर और तेंदुए आने की बहुत संभावना रहती है। दूसरे दिन हम उठे, स्नान किया और हमें आज शाम को वापस जाना था बड़ौदा में। हमने चाय नाश्ता किया और हम निकले सताधार मंदिर में जाने के लिए। दोस्तों, वहां वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं है इसलिए मैं वहां का आपको कुछ ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा। वहीं पर हमने खाना खाया। वहां पीछे एक कुंड है, वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। दोस्तों, ये भी बहुत खूबसूरत ये जगह है। हम वहां थोड़ी देर कुंड के पास बैठे, थोड़ा फ्रेश हुए और वापस निकले विसावदर जाने के लिए क्योंकि शाम को 5 बजे हमारी बस थी।
ओवरऑल ये स्थान मुझे बहुत ही पसंद आया। यहाँ एक शांति का अनुभव होता है। यहाँ सुबह 6 बजे से शाम तक पक्षियों का कलरव आपको सुनाई देता है। चारों ओर हरियाली और पेड़ होने के कारण एकदम प्रसन्नता का अनुभव होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना से हम मुक्त हो जाएंगे और मैं आपके लिए और एक नई जगह दिखा सकूँगा। बस तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।